जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ आज मुंबई एयरपोर्ट पे। विकास को भेज दिया मैंने फोटो यहाँ का। एक्चुअली सीन बता रहा हूँ क्या है, आज है हाइड एंड सीक लेकिन अक्रॉस इंडिया। उसको हिंट्स के लिए मैं फोटोज भेजते रहूंगा बीच में, देखते वो ढूंढ पाता है। भाई आसमान की ऊंचाई में भी बड़ा बहुत का पूछ रहा, सब जगह बड़ा। Meanwhile, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ गया और देखा तो मेरा भाई घर पे नहीं, उसने हाइड एंड सीक करना चालू भी कर दिया, मतलब कहीं पे जाके छुप भी गया। मुझे लगता है वो सुबह सुबह निकल भी चुका है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ है। तो हम लोगों ने ना ये गेम में ना हिंट रखी है, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा भाई इतने पूरे इंडिया में मैं कहाँ ढूंढूंगा। गाइस तो लिटरली ये देखो, इसने मुझे हिंट भी भेज दिए, ये तो एयरपोर्ट है और उसके बाद में आई लो मुंबई, और यहाँ पे भाई ढूंढ के दिखा। गाइस ये मुंबई में ही है बट एयरपोर्ट पे क्या कर रहा है? अभी ऐसा मत बोलना कि ये कहीं और दूर जा रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे ना मैसेज है ना सिर्फ गया है बट एक्चुअल डिलीवर नहीं हुआ, डबल टिक नहीं आ गई, इसका मतलब इसका नेट बंद है। और मैं समझ गया भाई ये फ्लाइट में, मतलब नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी उसका आइडिया नहीं है, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाता हूँ। गाइस अभी हाइड एंड सीक में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और कुछ भी करके ये वाला चैलेंज अपने को ही जीतना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस में मैं हार गया हूँ। गाइस अभी हम लोग दूसरे सिटी के एयरपोर्ट पे आ गए, और विकास को एक्चुअली नहीं पता कहाँ पे आया हूँ। इवन आपको भी मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, आप भी गेस कर लेना। विकास को ना फोटो भेजते हैं अभी कि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए। देख गाइस तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो मैं ना विकास को यहाँ का एक फोटो भेजता हूँ, आई थिंक उसको समझ जाएगा हम लोग कहाँ पे आए। मे बी ओके गाइस, तो अभी अपने पास नेक्स्ट लिंक भी आ चुकी है, और ये तो एयरपोर्ट लग रहा है यार भाई, समझ में नहीं आ रहा है बट बड़ा वाला ही एयरपोर्ट होगा ये। गाइज अभी मुझे है ना इतना पता चल चुका है कि नुबरा पहुंच गए, अभी अपने को नेक्स्ट हिंट का वेट करना पड़ेगा सो दैट हम लोग डेस्टिनेशन फाइनल कर पाए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एयरपोर्ट होगा। भाई जल्दी से जल्दी भेज दे क्योंकि नहीं तो फ्लाइट टिकट बुक नहीं हो पाएंगे। गाइज अभी नेक्स्ट अपने को पिक्स आ गए, मतलब हिंट आ चुकी है, और ये लगता है एयरपोर्ट के बाहर निकल चुका है, और मुझे शायद पता चल चुका है, आप भी देख सकते हो यार ये कहाँ पे। सो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं, और अभी अपने को पता चल चुका है कि कहाँ जाना है, और फिर अपने पास टाइम भी कम है। तो गाइस अभी हम लोग एक जगह पे आ गए, आई गेस आपको भी समझ जाएगा मैं कौन सी सिटी में आया हूँ इस जगह से। कैसे ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, मे भी अब बहुत सारे लोग को समझ गया कौन सी सिटी में हम लोग, देखते विकास को समझ जाएगा। विकास को भेजता हूँ इसका फोटो। मैं ना गाइस यहाँ पे ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता, क्योंकि आई डोंट नो विकास को पता चल गया होगा कि दिल्ली में आया हूँ, वो निकल गया होगा, हम लोग को कई और जगह चलना पड़ेगा छुपने के लिए, कोई अच्छी जगह ढूंढते, ये जगह भी काफी अच्छी है बट भाई यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी। हम लोग ना बीच बीच में कुछ चीजें करेंगे जिससे विकास कंफ्यूज हो जाए, अलग अलग जगह पे जाएंगे, उसको लगेगा कोई अलग सिटी, उसने गलत तो किसने कर लिया ऐसा लगे। गाइस नेक्स्ट हिंट भी आ चुकी है, ये लिटरली क्या है, मतलब कुतुब मीनार जैसा दिख रहा है बट मुझे पता है ये कहाँ गया है, कुतुब मीनार ये। मैं सोचा हूँ भाई गूगल कर ले वो फोटो। ओके तो ये वाला जो फोटो ये भाई क्या कुतुब मीनार ही आ रहा है, राजस्थान तो नहीं गया ये, दिल्ली इंडिया गेट। गाइस तो ये फोटो मैंने एक्चुअली गूगल कर चुका हूँ, मुझे समझ गया ये। मुझे लगता है अभी आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली फ्लाइट के लिए भी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मुझे फास्ट फास्ट जाना पड़ेगा, और मैंने फ्लाइट वगैरह सब बुक कर दिए, मतलब 2 बजे की फ्लाइट है अभी भाई, भागना पड़ेगा फटाफट। तो खंबे देख लेते आसपास, यहाँ पे खंबे काफी सारे, खंबो वाली चला। ये सामने एक खंबा है ना GTA 5 में लगाया गया, क्योंकि वो कभी टूटते ही नहीं। अभी यहाँ से निकलते, मेरे पास एक 100 IQ वाला आइडिया है, वो यूज करूंगा जल्दी से। चलो चलो चलो, अभी मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, सब हो गया, अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है एंड बोर्डिंग चालू हो गई है भाई, ऑलरेडी वहाँ पे वो बस हिंट पे हिंट भेज रहा है, अभी मैं हिंट नहीं देखने वाला, सीधा भागने वाला हूँ। गाइज ये देखो, ये लिटरली फोटो पे फोटो हिंट पे हिंट दे जा रहा है, अभी ये क्या है मुझे ही नहीं पता। ये तो भाई खिचड़ी लग रही है और सांभर के साथ, सही में खिचड़ी लग रही है भाई, ये तो खाना खा रहा है, मुझे भी भूख लगने लगी अभी। अभी हम लोग एक जगह पे आए जो एक्चुअली मुंबई में भी ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है विकास थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा भाई, IQ लगाना पड़ता है हाई लेवल। ये देखो गाइस गेस कर लो,
जगह का नाम है, ऊपर लिखा है भाई, देखो ना कितना इजी है। इसका ना फोटो निकाल लेता हूँ, बट एक्चुअली मैं मुझे जो भेजना ना फोटो वो थोड़ा पास से लेना है, क्योंकि दूर से समझ जाता है, क्योंकि मुंबई में थोड़ा अलग दिखता है। पास से लेंगे ना ऐसा ऊपर से, किसी को नहीं समझेगा कौन सा वाला है, एकदम जिसको पता है ना सब कुछ उसको ही समझेगा। एक्चुअली मैं ना एकदम पास में नहीं जान देते, तो मुझे अपनी टेक्निक यूज करनी पड़ी। S22 अल्ट्रा कब काम आएगा, फुल जूम करके कर लिया भाई इशू सॉल्व। सो गाइस मैं अभी दिल्ली पहुंच चुका हूँ और फिर टैक्सी भी ले लिए। अभी मुझे पता है मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि उसने मुझे हिंट्स तो दे दिए ऑलरेडी। ये देखो भाई, इसने इंडिया गेट का फोटो भेजा है और कुछ कुछ खा रहा था, ये क्या है मुझे पता नहीं। आप लोग को पता होगा तो यार नीचे कमेंट करके बता दो। वापस भी आ गया मैं, ये जाके भी आ गया यार। तो मैंने तो लोकेशन यार सही से गेस कर लिया था, आप लोगों ने किया था कि नहीं वो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। भाई हम लोग लोटस टेम्पल आ गए और यहाँ पे लाइन इतनी लंबी है ना, ये विकास का भेज दिया लंबी लाइन का फोटो। गाइस फाइनली बहुत घंटे लाइन में वेट करने के बाद लोटस टेम्पल के अंदर आ रहे, और वहाँ पे यार काफी अनाउंसमेंट करने वाली एक मैडम जी थी, काफी सर्विस किसी को बोल रही है भाई, पब्लिक चला के खाना दूसरे बैग में रखती और दूसरे दिखाती। गाइस ये देखो अपने नेक्स्ट हिंट भी आ चुके हैं, यहाँ पे बड़ी सी लाइन दिख रही है, और उसके बाद में इसमें मैंने गौर से देखा तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या है। ये नुबड़न लिखा है मिस्टीरियस प्लेस पे, तू वो तुझे नहीं समझेगा। तो अभी हम लोग सीधा वहाँ पे जाने वाले और लाइन में लगने वाले, एक्चुअली लाइन में नहीं लगूंगा, सीधा उसको धप्पा देने वाला हूँ अभी। गाइस तो यार लोटस टेम्पल के पास आया था मैं, इतनी भीड़ ना, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी भाई सीरियसली। अंदर जाके ना लेकिन काफी शान बैठे थे लोग, सब लोग लाइक लिटरली बोलता हूँ ऐसा स्कूल में भी नहीं देखा है मैंने, मुझे पता नहीं था ये पॉसिबल। बस छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, बट ऑब्वियसली छोटे बच्चे, उनको थोड़ना यार। गाइस तो अभी हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ गए भाई लिटरली। यहाँ पे मुझे पता है लाइन होगी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। वो देखो भाई अपने को वहाँ पे जाना है, फाइनली डेस्टिनेशन मिल गई है। गाइस अभी मैं सोचो यहाँ पे ना किसी को पूछ लूँ कि इसको किसी ने देखा है क्या नुपड़े को। एक्सक्यूज मी भाई, आपने इसको देखा है क्या? हाँ भाई यार यहाँ से यार जाने का मन नहीं करा मुझे तुरंत के तुरंत, लाइक थोड़ी सी पीसफुल जगह है, बस भीड़ ज़्यादा है। भीड़ थोड़ी सी भी कम होती ना तो और मज़ा आता। यहाँ पे बाजू में क्या बोलते हैं हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जाने नहीं देते लोग। वहाँ पे दिख चुका है, ब्लॉक कर रहा है। What? मिल गया फाइनली, पूरे दिन की मेहनत के बाद गाइस फाइनली मिल चुका है भाई। दिल्ली में कर रहा है क्या कर रहा है, दिल्ली में क्यों आया तू? गाइस शाम होने आई, वो तो सिर्फ मैं ऐसे आया था कि थक गया मैं, इतनी गर्मी यहाँ पे यार, इतनी गर्मी है ना मुंबई से काफी ज्यादा गर्मी है गाइस। गाइस तो फाइनली विकास से मुझे ढूंढ लिया, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं था ये वाला चैलेंज ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि तू ऑब्वियस सिटी में गया था ना। हाँ यार दिल्ली क्यों चूज किया पता है कि यार बाकी जगह कुछ ज्यादा ही गर्मी है, बट मैं बता रहा हूँ नॉन स्टॉप आया हूँ लिटरली, जो घर से निकला हूँ मैं भी नॉन स्टॉप रुका नहीं, फ्लाइट बुक कर मैं। सुन मैं भी है ना टैक्सी से उठा सीधा जाया वापस टैक्सी में बैठ, इतना तेज किया भाई सब कुछ, इसलिए इसने ढूंढ लिया। गाइस अगर आप चाहते हो इस चैलेंज को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, लाइक पूरे वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, तो भाई 1,00,000 लाइक्स कर दो, ज्यादा हो जाएगा मुझे पता है, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, आपसे हो सकता है, मुझे पता है आप कर सकते हो, ठीक है। गाइस ये देखो हमारे भाई लोग मिले हैं यहाँ पे, भाई दिल्ली में भी मिले भाई, क्या क्या बात क्या है, लाइक करने बोलो ना, फ्लाइट तो कल सुबह की बुक की, लेकिन ये बोल रहा है आज रात को चलते, ये देख रहा है फ्लाइट, तब तक आप देख रहे व्यू, ठीक है। ये है हम लोग दिल्ली के AOCK के अंदर, और भाई खतरनाक जगह है ये जगह भी खतरनाक है, लाइक ये रूम भी खतरनाक है, ये कुछ भी दिया है इन लोगों ने पता है। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा किचन भाई, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुलवाएंगे हम लोग यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो सब है, चम्मच विम्मच सब, इंसान इधर खाना भी ना पकवा सकता है इजीली, खतरनाक लोग है ये हयात वाले, हमेशा बोलता हूँ मैं।